क्यों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube पर, Facebook पर। हमें दोस्तों, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और अभी अभी हमें कॉल आई थी, मेरे को आपने कॉल की थी शायद, क्या नाम आपका सर? जगतार सिंह भाई की कॉल आई थी कि हमारे घर में कोई सांप आया हुआ है, चलिए देखते हैं चलकर कौन सा सांप आया हुआ है, उसको रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित उसको उसके जंगल में छोड़ते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पदम जिसको काट ले पदम, ना बढ़ने दे एक कदम। दोस्तों बहुत ही खतरनाक पदम नाग के नाम से जाना जाता है, जिसको अगर ये बाइट कर ले तो दोस्तों उसका दुनिया से जाना तय है। अरे पार्टी यार, अगर समय से ट्रीटमेंट ना मिले तो जड़ देता। ये देखिए बहुत ही फुर्तीला होता है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा साइड पे ले चलते हैं। तो दोस्तों जब भी सांप बाइट करे सीधे हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवाएं, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में कभी ना पड़े। कर लो नहीं, कर लो कर लो, पदम सी पदम भरा पदमी ढक्कन देना इसका, जरा ढक्कन बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही चुस्त होता दोस्तों ये। तो दोस्तों ये जंप लगा के काटने में माहिर होता है। अच्छा तेरे वो अपने भाभी के भतीजा तो दोस्तों एक मिनट अभी करते हैं, इसके सुराग करने के लिए कुछ ले आना, कुछ सुवा सा कुछ ले आओ। तो ये हमने फाइनली इसको कैच कर लिया है, अब इसको जो है दूर कहीं जंगल में ले जाके छोड़ते हैं, इंसानों से दूर। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक, जैसा हमने बताया, कभी भी सांप बाइट करे तो सीधे हॉस्पिटल जाए, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर पड़ेंगे तो दुनिया से टिकट कटाना तय है। तो दोस्तों चलिए सीधे लेके चलते हैं इसको अब फुरे जंगल। और दोस्तों कभी भी कोई सांप आए तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 8477917407 8218586154। तो दोस्तों सीधे चलते हैं रिलीज करने के लिए, इसकी आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे रिलीज करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंतर झाड़ बुक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अन्यथा आपको जान गंवानी पड़ सकती है। और इसको छोटा समझने की भूल ना करें, जहर बराबर होता है, सेम जहर होता है जितना बड़े सांप में होता है। ये बेबी कोबरा है, इस समय पदम नाग के नाम से भी जाना जाता है, इसका साइज थोड़ा छोटा है इस समय। तो दोस्तों बहुत ही फुर्तीला होता है, बेहद फुर्तीला, आक्रामक रवैया, और इस समय बहुत गुस्से में है क्योंकि ये एक से डेढ़ घंटा हो गया इसको इसमें बंद है। और कई कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सांस कहाँ से लेता है, उनको दिखा देता हूँ मैं। ये थोड़ा करीब से दिखाइए सुराख, ये देखिए ये चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ दिखाइए, ये देखिए ये चारों तरफ हमने जो है ये बड़े बड़े सुराख कर रखे इसकी ऑक्सीजन लेने के लिए। दोस्तों ये नीचे से भी कर रखे हमने, दोनों तरफ से इसका होल कर रखे ऑक्सीजन के लिए, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म, अब हम इसको रिलीज करते हैं। दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग जो है नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए, थोड़ा करीब से दिखाइए, ये देखिए
बाइट करने की कोशिश करता हुआ। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसको अब हम जाने देते हैं, थोड़ा सा इस तरफ छोड़ते हैं ताकि ये इस तरफ जाके अपना जो है आशियाना ढूंढ ले, बिल विल वगैरह ढूंढ ले। ये देखिए जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं, खुर खुर कह लो, चाहे इंडियन स्पेक्टिकल्ड चश्मे की आकृति, देखो इसके पीछे जो बनी हुई है ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये पीछे साइड में दिखाइए, ये पिछले हिस्से में, ये देखिए ऊपर, ये देखिए ये आकृति ऊपर जो बनी हुई है। तो दोस्तों जाने देते हैं इसको, थोड़ा करीब से दिखा दीजिए एक बार। तो दोस्तों वो अपने पर्यावरण की ओर चला गया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।